हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं आपके लिए सैमसंग के 2023 के फ्रेम टीवीज की, जिसके अंदर हमारे पास साइज अवेलेबल है 55 इंचेस एंड 65 इंचेस। दो अलग से साइज भी इसके अंदर आते हैं 43 इंचेस एंड 75 इंचेस। चारों साइजेस के जो प्राइजेज हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए तो वहीं से आप इसको परचेज करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो जैसा कि अभी आपने इसकी फर्स्ट लुक देखी, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन की। तो जैसा कि इसके नाम से ही है, ये एक फ्रेम टीवी है, जो कि आपको टीवी तो है ही, साथ में आपको एक फ्रेम का काम भी करके देता है, जिसके अंदर आप अपने फैमिली फ़ोटोज़ या बहुत सारे इसके अंदर आर्ट मोड आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप यहाँ पर लगा के रख सकते हो, उनकी हम आगे बात करेंगे। एक्सेसरीज़ की बात करें तो साथ में इसके आपको ये वाला रिमोट मिलेगा कुछ इस तरह का, जो वाइट कलर का है और जिसके ऊपर सारी हॉट कीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको देखें मिनिमल कीज़ आपको मिलती है, बहुत ही कम कीज़ हैं, नॉर्मली रिमोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कीज़ होती हैं। साथ ही जो ये रिमोट है ये सोलर पैनल के साथ आता है, जिसके आप घर की लाइटिंग से या फिर मैग्नेटिक फील्ड से या फिर सनलाइट से, तीनों चीज़ों से ये चार्ज हो जाता है। अगर वो भी नहीं करना तो आप इसको एक सी पोर्ट के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, बार बार आपको बैटरीज इसके बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही इसके साथ आपको एक वन कनेक्ट बॉक्स भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी कनेक्टिविटीज़ यहीं पे मिलेंगी। आपको अब एलईडी के बैक साइड में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बॉक्स के अंदर ही सारी सारी आप जितनी भी एचडीएमआई होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं या फिर कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह लगानी है, पावर केबल लगानी है, सब यहीं पर कनेक्ट होगी। ये जो वन कनेक्ट बॉक्स है ये एक फ़ाइबर केबल के द्वारा एलईडी से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो वाइट कलर की होती है और वो दिखती भी नहीं है। कहने का मतलब आप उसको एक इनविजिबल वायर भी कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको डिज़ाइन इसके अंदर मिलता है। साथ ही ये काफ़ी स्लिम है दीवार के साथ, इसके साथ जो आपको स्टैंड मिलता है वो भी बिल्कुल स्लिम मिलता है, जिसकी वजह से ये दीवार के साथ पूरा फिट हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इसका जो ये फ्रेम है ये काफ़ी सारे 5-6 कलर्स के अंदर आता है, और ये रिमूवेबल है, आप इस फ्रेम को निकाल भी सकते हो काफ़ी आसानी से, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये मैग्नेट्स हैं इसके अंदर चार, ये देखिए ये मैग्नेट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, जिससे इसको अटैच करना काफ़ी आसान है। जस्ट आपने इसको ऊपर की तरफ रखना है और ये कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका जो ये फ्रेम है इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, कलर कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सैमसंग फ़िलहाल आप अगर आप फ्रेम टीवी खरीदते हो तो इसके साथ आपको एक फ्रेम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है, कलर की आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर इसके अंदर चूज़ कर सकते हो और वही इसके साथ आप लगा के रख सकते हो। तो ये सारा है सारा आपको इस 2023 के जो फ्रेम टीवी है इसका डिज़ाइन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो मेन हाइलाइटेड फीचर है फ्रेम टीवी, इसके अंदर आपको बहुत सारे आर्ट मोड मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप होम की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका मेन होम पेज खुल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे ये देखिए आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाते हैं, जो कि फ़िलहाल कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। इसके अंदर अलग अगर आप कुछ अलग फ्रेम अलग से ऐड करना चाहते हैं तो एक सैमसंग की एप्लीकेशन आती है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उससे आप इस टीवी को कनेक्ट करने के बाद आपकी जो खुद की पर्सनल फोटोज़ हैं आप उनको भी फ्रेम की तरह लगा के रख सकते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत सारे फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे। जब आप इसको अप्लाई कर देते हो और जब आप पावर का बटन सिंगल एक नॉर्मल क्लिक करते हो, तब आपका एक जो टीवी है स्टैंड बाय मोड में चला जाता है और एक फ्रेम टीवी बन जाता है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पावर ऑफ किया और ये आपका एक फ्रेम टीवी बन गया। यहाँ पे मैंने जो फ्रेम लगा के रखा हुआ है वो आपका एक आर्ट पीस लगता है, जैसा कि आप अगर घर के अंदर जैसी भी आपकी डेकोरेशन है उसके हिसाब से आप कोई भी फ्रेम इसके अंदर फिट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो मैट डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती। जहाँ से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने फ्रेम लगाया हो उसके अंदर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइटें ऑन है फिर भी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो
तो कहने का मतलब इस 2023 के फ्रेम टीवी के अंदर आपको मैट डिस्प्ले मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की। पिक्चर क्वालिटी के लिए इसके अंदर आपको क्यूलेट टेक्नोलॉजी मिलती है विद 4K क्वांटम डॉट प्रोसेसर, जिसकी वजह से आपको 100% कलर वॉल्यूम मिलता है। कोई भी कलर, जैसे कोई रेड कलर है या फिर आपका कोई ग्रीन कलर है, उसकी जितनी भी शेड्स होती हैं, कोई भी आप किसी भी शेड को लूज नहीं करोगे। 1 बिलियन आपको कलर शेड्स इसके अंदर मिलने वाली है। तो एक बार एक नज़र डालते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी पे। पिक्चर क्वालिटी के अंदर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर आपको 100% कलर वॉल्यूम मिलते हैं, जिसका मतलब आपको हर एक कलर की हर एक शेड्स आपको अलग से नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप ये गिरगिट को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की बहुत सारी जो जितनी भी शेड्स हैं वो अलग अलग नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जैसे डार्क ग्रीन आपको अलग से दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा सा ब्लू भी आ गया, ब्लैक भी आ गया, हर एक कलर की शेड आपको बिल्कुल प्रॉपर नज़र आएगी। कोई भी कलर बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। साथ ही इसके अंदर जो मैट डिस्प्ले मिलता है उसकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो रात का टाइम है और बहुत सारी लाइटें ऑन है, फिर भी आपको कोई भी रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र नहीं आएगी। तो कहने का मतलब बहुत ही प्रीमियम और बहुत काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है। क्यूलेट का दूसरा फ़ायदा है आपको इसके अंदर ये मिलता है कि कहीं भी जहाँ पे भी आपका डार्क सीन होगा या जहाँ पे भी आपका ब्राइट सीन होगा, वहाँ के उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिटेल नज़र आएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है HDR10+ का सपोर्ट। तो ये सारी की सारी आपको इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड के लिए इसके अंदर आपको 40W के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी निकल के आती है वो काफ़ी बेस्ट निकल के आती है। साथ ही इसके अंदर आपको OTS का सपोर्ट भी मिल जाता है। OTS मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड। जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट जिस भी साइड से आपका साउंड कर रहा होता है, आपको इस टीवी के अंदर फील होगा कि उसी साइड से साउंड आ रही है। तो एक नज़र डालते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे। तो ये थी इसकी साउंड क्वालिटी। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। जैसे ही आप इसका होम पेज दबाते हो तो यहाँ पे आपको इसका ये स्मार्ट हब मिल जाता है, यानी कि होम पेज मिल जाता है, जिसके ऊपर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, वो सब आपको यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर मिलेगा। जो भी इसकी सेटिंग्स है LED की, वो सारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है फ्रेम टीवी की। इसके अंदर जितनी भी आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हो वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे आप इसके साथ एक कैमरा अटैच करते हो USB वाला, वो आपको यहीं पे मिलेगा। पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, सैमसंग TV प्लस इसके अंदर है, जिसके अंदर आपको 100 से भी ज़्यादा चैनल है जो LED के अंदर ही मिल जाते हैं, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू रन कर सकते हो। लाइव चैनल चलेंगे 100 से भी ज़्यादा। उसकी भी अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एक झलक। ये है, देखिए ये सैमसंग TV प्लस है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं। इसके बाद इसी के अंदर आपको मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक तो आपको मिलने वाला है Amazon Alexa, दूसरा आपको इसके अंदर मिलने वाला है Bixby। दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। Bixby जो है प्योर इंग्लिश में चलता है, और जो Alexa है उसके अंदर मल्टीपल दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, जो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो।
और इसमें जो इंग्लिश मिलेगी वो भी इंडियन है, और इसको मतलब कहने का कि आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रिमोट के ऊपर ही वॉइस असिस्टेंट का बटन मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप वॉइस असिस्टेंट को आसानी से यूज़ कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको स्मार्ट थिंग्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, स्मार्ट थिंग्स के अंदर आप जितनी भी मल्टीपल आपके घर के अंदर स्मार्ट डिवाइस हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो फ़ैन है, चाहे वो एसी है या वॉशिंग मशीन है, सारी की सारी डिवाइसों को आप यहाँ से कनेक्ट करने के बाद उनको आसानी से यूज़ कर सकते हो। यहीं से उनको आप रन कर सकते हो, और वॉइस कमांड से भी बिक्सबी के थ्रू आप उन सारी चीज़ों को रन कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड डिवाइस का ऑप्शन। जब आप ऐड डिवाइस करोगे तो जितनी भी आपकी स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, आप उनको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। एक ही एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो सब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। इसी के साथ एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर मिल जाता है मल्टी व्यू। मल्टी व्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक स्क्रीन के ऊपर एक ही टाइम में दो चीज़ों को रन कर सकते हो। एक साइड में आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हो, और एक साइड में आप YouTube वगैरह या फिर इंटरनेट ब्राउजर या फिर आप अपनी डिश वगैरह को रन कर सकते हो, या फिर आप कैमरा भी एक साइड में ओपन कर सकते हो, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन भी आप एक साइड में ओपन कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एक ही टाइम में दो स्क्रीन को आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको सैमसंग डेक्स भी मिल जाता है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आइक बटन पे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसकी पूरी डिटेलिंग बताई हुई है कि कैसे आपका जो मोबाइल है पूरा का पूरा इस एलईडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। आप मोबाइल अलग से यूज़ कर सकते हो, और मोबाइल का जो डाटा है एप्लीकेशन है वो एलईडी के अंदर अलग से यूज़ कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको स्मार्ट मिररिंग भी मिल जाती है, स्क्रीन मिररिंग मिल जाती है, स्क्रीन कास्ट, बहुत सारे वर्ड है जिनको आप इसके अंदर कह सकते हैं, उनको वायरलेस डिस्प्ले कह सकते हैं, वो सब आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। चाहे आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर आपके पास एक iOS डिवाइस है या कि एप्पल की कोई भी डिवाइस है, उन सब से आप इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस एलईडी जो 2023 का फ्रेम टीवी है सैमसंग का, ये सब आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 2023 का फ्रेम टीवी? साइजेस मैंने आपको जैसा कि बताया इसके अंदर आते हैं 43, 55, 65 और 75। ये सारे साइजेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सबका जो परचेज लिंक है और प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके इनका प्राइस चेकआउट करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वहीं से आप इसको परचेज करें, इससे हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय।